भाइयों इस 18 साल के लड़के का अनुभव जरूर सुनिएगा। एक ऐसा डर आपके अंदर बैठ जाएगा जो आपको मजबूर कर देगा ब्रह्मचर्य पालन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस लड़के ने हमें बताया कि भैया कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि आंखों में हर वक्त शर्मिंदगी शर्मिंदगी, हर वक्त शर्मिंदगी, सर बिल्कुल नतमस्तक हो गया, झुक गया है। इन्होंने बताया कि स्कूल में जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो बाथरूम वगैरह ये गए होंगे, तो बाथरूम में मेरा एक दोस्त, सर आजकल भैया पता ही है आपको स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह कैसे, मूतने भी जा रहा है तो साथ में ही है, तो वहीं खड़े और जो इनका दोस्त था ये मूत रहे थे, तो उन्होंने उनको देख लिया कि भाई तेरा तो बहुत छोटा है रे, मेरा देख मेरा कितना बड़ा है। तो इसने इन्होंने सोचा कि भाई इनका इतना बड़ा कैसे है, यानी कि मतलब जो इनका मित्र है वो कुछ अश्लील वीडियो देख के उसमें उत्तेजना भरी हुई थी जिसकी वजह से जो है लिंक बड़ा दिख रहा था, तो ये सोचे कि इतना बड़ा कैसे है। अब उन्होंने उनको टेक्निक बताई कि ये इतने छोटा, मजाक बनाने लगे उसका एक दो शायद मित्र और थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई तू करा कर, हिलाया कर। बोले नहीं मुझे, ये जो लड़का है इसने कहा कि नहीं मुझे गंदा लगता है, मैं नहीं करता ये सब, एक आध बार कराया मुझे बहुत गंदी फीलिंग आती, मैं नहीं करता, मुझे अच्छा ही लगता। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए देख कितना तू नहीं करता ना, इसलिए तेरा छोटा है, करा कर हिलाया कर, तभी जाके ये देख मेरा कितना बड़ा है, इसलिए अगर तू हिलाएगा तो ही तेरा बड़ा होगा, अगर तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुझे भेजता हूं। फिर वही सब पॉर्न वगैरह बस, और इनको लत लगी, और ऐसी लत लगी फिर तो भैया मेरा भी बड़ा होने लगा है धीरे धीरे। कहते हैं ना, वो खुद तो भटके हुए थे, हमें भी भटकने का रास्ता बता गए, वो खुद में वो उनको मालूम नहीं था, हमें भी बता के चले गए, खुद तो बर्बाद हुए हुए, हमें भी ले डूबे, है ना। तो वो इसी प्रकार से कुछ चलता रहा। अब एक दिन ये अपने रूम में थे और क्रिया कर रहे थे, हिला रहे थे, गेट खुला रह गया था। अब पीछे से उनके फादर जो है गेट के आए अंदर, और उन्होंने देखा कि जो लड़का है हस्त मैथुन कर रहा है, और तुरंत उन्होंने लाइट खोली, और लाइट खोली तो क्या पाया, एकदम चौंक गया लड़का कि अरे ये क्या हुआ। और जैसे ही उसने सामने अपने पापा को देखा, बिल्कुल रोने लगा, शर्मिंदगी उसके आंखों में बिल्कुल ऐसी हो गई। फिर उसके पापा ने, खैर मैं उसमें उनके पापा की बहुत तारीफ करना चाहूंगा जो उन्होंने समझाने का कदम उठाया, और उसको अपने बेटे को जो है समझाया कि बेटा ये तू जो कर रहा है ये सही नहीं है, उन्होंने समझाया अपने बेटे को, उसने जो मैं जो 18 साल के जो लड़के हैं इन्होंने हमें बताया, समझाया, और समाज समझाने के बाद इन्होंने हमारे वीडियोस देखना शुरू किए, और ये हमारे आज भी शायद अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया भाई कि आज मैंने कम से कम 2 महीने पूरे कर लिए हैं और बहुत जबरदस्त बदलाव मेरे अंदर आया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे वजह से जो है उनमें बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं एक डर, एक भय उनके अंदर रह गया। उसने एक बात बोली कि भाई एक डर रह गया अंदर कि जो मैंने किया और मेरे फादर ने मुझे देख लिया, इस चीज ने मुझे बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया कि यार अब मैं ये कभी नहीं करूंगा। अपने माँ बाप की मुझे शान बढ़ानी है ना कि शान गंवानी है, ठीक है ना। उन्होंने मुझे इसलिए पैदा नहीं किया कि हिला हिला के मैं खत्म हो जाऊं, मेरी बात को समझ रहे हो। तो यही डर आपके अंदर बैठ जा बैठा लेना कि भाई चलो ठीक है आपके फादर मदर ने आपको नहीं देखा ये सब करते हुए, लेकिन आने वाला समय सब लोग देखेंगे, पूरा समाज देखेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, जब आप कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, हो सकता है आपकी संतानें ना हो, क्योंकि अधिक वीर नाश करने के कारण आप में शुक्राणुओं की कमी हो गई है, आपके पास संतान करने लायक वो क्षमता ही नहीं रह गई, आप अपने पार्टनर को सुख नहीं दे पाए। और ये बातें किसी की भी जो बुराई होती है ना, मतलब अच्छाई तो एक प्रकार छुपा दी जाती है लेकिन बुराई बहुत जल्दी फैला दी जाती है, और समझ लेना, और ये बहुत जल्दी फैलेगी। आपके माँ बाप के सामने आएगी बात कि हमारा बच्चा जो है सक्षम नहीं है इस चीज में, आपका पार्टनर अलग, फिर कहीं ना कहीं ये बात बाहर फैल गई, हर जगह फैल जाएगी, फिर क्या रह जाएगी। सोचो, ये डर अपने अंदर बैठा लो और आज से ही मजबूती से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ब्रह्मचर्य परम बलम।